इकबाल एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का हमारा टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज, मैरिज की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। वी आर डिस्कसिंग अबाउट मुस्लिम फैमिली लॉ, मुस्लिम मैरिज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली रूल सेक्शन 7 के तहत लाइसेंस ग्रांट होता है और उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। हर शादी जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत होगी वो रजिस्टर होनी ज़रूरी है, वो रजिस्टर्ड होगी। प्रोविजन ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ के तहत उसको रजिस्टर होना चाहिए, जो कि सेक्शन 5 प्रोवाइड यही करता है कि यूनियन काउंसिल ऑथोराइज है कि वो अपने इलाके में एक या एक से ज़्यादा आदमी को लाइसेंस दे, जो कि निकाह रजिस्ट्रार कहलाएंगे। और हर शादी जिसको निकाह रजिस्ट्रार ने पढ़ाई हो वो उसको वो रजिस्टर करेगा यूनियन काउंसिल में, और यूनियन काउंसिल में रिपोर्ट पेश की जाएगी कि मुस्लिम फैमिली लॉ के तहत ये शादी सोलमनाइज हुई है। अगर निकाह रजिस्ट्रार नहीं पढ़ाता, कोई और पर्सन एफिशिएंट मैरिज करता है, तो उसको भी चाहिए कि जो उसका इलाके में निकाह रजिस्ट्रार है उसको रिपोर्ट करे। अगर वो रिपोर्ट नहीं करता तो उसकी 3 माह सजा या 2000 रुपये का जुर्माना या दोनों दी जा सकती है। अब हम देखते हैं कि इसकी वैलिडिटी क्या है। देखिए, शादी को रजिस्ट्रेशन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। पहली बात तो यह है कि इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, क्या शादी रजिस्टर्ड है या नहीं है, दिस इज नॉट क्वेश्चनेबल। शादी हो गई मुस्लिम फैमिली लॉ के तहत, दोनों पार्टी विटनेसेस प्रेजेंस हो गई, तो इसको हम वो नहीं चैलेंज नहीं कर सकते। फैमिली कोर्ट को अख्तियार नहीं है कि वो इसको चैलेंज करे, कोई इसको चैलेंज करे कि ये शादी रजिस्ट्रेशन इसकी हुई है तो या करे इसकी नहीं हुई है, इसको ये क्वेश्चनेबल नहीं है। दिस इज नॉट क्वेश्चनेबल इन द फैमिली कोर्ट कि दिस शादी इज रजिस्टर्ड आर नॉट, पहली बात यह। और इसके रजिस्ट्रेशन को बात और हम एविडेंस पेश नहीं कर सकते हैं कि ये हुई है या नहीं हुई, इसको फैमिली कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं है। हाँ, अगर शादी किसी फ्रॉड से हुई है, फ्रॉड अगर है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन उसको भी फैमिली कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। फ्रॉड को भी चैलेंज करने के लिए एक नॉर्मल जुरिडिक्शन है, सिविल कोर्ट भी, सिविल कोर्ट में हम उसको चैलेंज कर सकते हैं कि ये फ्रॉड धोखे से, फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से हुई है या चीटिंग से, वट एवर रीजन है, तो उसको वहाँ किया जाता है। बल्कि फैमिली कोर्ट में भी इसको हम फ्रॉड को चैलेंज नहीं कर सकते। पहले निकाहनामा की 4 कापियाँ होती हैं, एवरी पर्सन इज अवेयर, ये याद रखें। एक कॉपी निकाह रजिस्ट्रार के पास होती है एज एविडेंस, एज ए प्रूफ। एक कॉपी यूनियन काउंसिल में होती है, एक कॉपी दुल्हन के लिए होती है और एक कॉपी दुल्हा के लिए। हर एक के पास अपनी अपनी कॉपी है ताकि बतौर सबूत पेश किया जा सके। अगर निकाह रजिस्ट्रार सही काम नहीं करता, जैसे मैंने कहा कि यूनियन काउंसिल उसको लाइसेंस इशू करती है, अगर वो काम सही नहीं करता, गलत काम करता, तो यूनियन काउंसिल को ये भी पावर है कि नहीं निकाह रजिस्ट्रार का लाइसेंस खारिज कर दे। सेक्शन 7 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस की सब सेक्शन 4 के तहत ये डिफाइन किया गया है कि इफ एनी पर्सन होम ए लाइसेंस हैज बीन ग्रांटेड अंडर दिस रूल कंट्रावेंसेस एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ सच लाइसेंस ही शैल बी पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 month और विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 200 रुपीज आर बोथ। ये उसकी जिम्मेदारी है कि अगर वो सही काम करे, अगर नहीं करता दैट कैन बी क्वेश्चनेबल, दैट कैन बी लाइसेंस कैन बी कैंसल आर रिवोक्ड। आई होप आप रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज के बारे में अच्छी तरह जान गए होंगे। फिर भी अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आप फ्री हमसे सर्विस के थ्रू, लीगल सर्विस के थ्रू मालूम या अपनी क्वेरी हमें सेंड करें, हम आपको फ्री रिप्लाई करेंगे। हमारा व्हाट्सएप एंड मोबाइल नंबर 0333-217-1556, या आप हमें ईमेल करें info@iqballawservices.com, या विजिट करें हमारे पेज को www.iqballawservices.com। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।